परिवर्तनी एकादशी पर इन छह उपायों को करें जिससे बरसेगी माँ लक्ष्मी की कृपा। नंबर एक, परिवर्तनी एकादशी के दिन विष्णु जी को दूध में केसर मिलाकर विष्णु जी का अभिषेक करें। साथ ही उनकी पूजा करते समय पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं। ऐसा करने से धन की तंगी दूर होती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। नंबर दो, भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है। एकादशी व्रत में प्रदोष काल की पूजा का बड़ा महत्व है। इस दिन प्रदोष काल में तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से धन दौलत में बरकत होती है और व्यक्ति की आर्थिक स्थिति में सुधार आता है। नंबर तीन, कहा जाता है कि चतुर्मास में श्री हरि चार माह के लिए शयनकाल में रहते हैं और परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान करवट लेते हैं। इस शुभ मौके पर दान पुण्य के कार्य बेहद शुभ माने जाते हैं। इस दिन गरीबों और ज़रूरतमंदों को अनाज का दान कर सकते हैं। नंबर चार, परिवर्तनी एकादशी के दिन गायों की सेवा के लिए समय जरूर निकालें और उन्हें हरा चारा खिलाएं, जिससे गायों को चारा खिलाने से विष्णु जी प्रसन्न होते हैं और घर के सभी सदस्यों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। नंबर पाँच, इस दिन पीपल के पेड़ की जड़ों पर जल जरूर अर्पित करें। पीपल के पेड़ में विष्णु जी का वास माना जाता है। परिवर्तनी एकादशी के दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाने से आर्थिक स्थिति में सुधार आता है। नंबर छः, एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना बेहद शुभ माना गया है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से जातक को जीवन में आर्थिक संकटों का सामना नहीं करना पड़ता है। साथ ही भगवान विष्णु और लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।